नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और नेवी ने 200 किलो से अधिक हेरोइन बरामद की है। यह ड्रग्स एक ईरानी जहाज से मिली जो अफगानिस्तान से भारत लाई गई थी। इसका कुछ हिस्सा श्रीलंका भी भेजा जाना था। इस तस्करी के पीछे पाकिस्तान के हादी सलीम नेटवर्क का हाथ है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत करीब 1200 करोड़ रुपए की आंकी गई है। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल संजय कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 6 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ये सभी ईरान के हैं। एनटीपीएस अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल संजय कुमार सिंह ने बताया कि इस मामले में एनटीपीएस अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल संजय कुमार सिंह ने बताया कि इस मामले में एनटीपीएस अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। डीडीजी संजय कुमार ने कहा कि इनकी पैकिंग वाटरप्रूफ है। इन पैकेटों को 7 लेयर में पैक किया गया था। ड्रग्स की सप्लाई पाकिस्तान के हादी सलीम नेटवर्क की तरफ से की गई थी। हादी सलीम भारत और अन्य देशों में हीरोइन चरस मेथामफेटामिन सप्लाई करता है। डीडीजी संजय कुमार ने कहा कि शुरुआती जांच में पता चला कि इंटरनेशनल ड्रग्स कंट्रोल की तरफ से अफगानिस्तान से ड्रग्स भारत लाई जा रही थी। डीजीजी ने संजय कुमार ने कहा कि शुरुआती जांच से पता चला है कि इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल की तरफ से अफगानिस्तान से ड्रग्स भारत लाई जा रही थी। आरोपियों के पास से 3 स्मार्टफोन जब्त किए गए हैं। इस मामले में अभी तक किसी आतंकी से कोई संबंध नहीं मिला है। पूछताछ के आरोपियों ने कबूल किया है कि वे ईरान के कोड़नाक इलाके में रहने वाले हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शुक्रवार को मुंबई के एक गोदाम से करीब 120 करोड़ रुपए की 60 किलो मेफ्रोड्रोन ड्रग्स जब्त की है। इस मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2 लोग एयर इंडिया के हैं, जिसमें एक पूर्व पायलट सुहैल गफ्फार है। सुहैल ने कुछ साल पहले ही स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए नौकरी छोड़ दी थी। एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि इसी ड्रग्स कंट्रोल ने बाजार में करीब 225 किलो मेफ्रोड्रोन ड्रग्स बेची है। इसमें 60 किलो ड्रग्स जब्त की गई है। अगस्त में वडोदरा में 200 किलो मेफ्रोड्रोन ड्रग्स हुई थी जब्त। इस साल की शुरुआत में गुजरात में कई ठिकानों में ड्रग्स जब्त की गई थी। अगस्त में वडोदरा में 200 किलो मेफ्रोड्रोन ड्रग्स जब्त की गई थी। अप्रैल में कांडला पोर्ट से 260 किलो ड्रग्स जब्त किया गया था। इसी तरह पिछले सितंबर में मुंबई पोर्ट से 21,000 करोड़ रुपए की सबसे ज्यादा नशीली ड्रग्स जब्त की गई थी। दिल्ली एयरपोर्ट पर 28 करोड़ की 7 गाड़ियां जब्त, एक की ही कीमत 27 करोड़। मुंबई एयरपोर्ट पर 80 करोड़ की ड्रग्स बरामद। देश के 2 बड़े एयरपोर्ट पर गुरुवार को 100 करोड़ रुपए से अधिक के अवैध माल की जब्ती हुई थी। इसमें दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कस्टम विभाग ने दुबई से आए तस्कर की 5 से 7 गाड़ियां बरामद की थी। इनकी कीमत 28 करोड़ थी। इनमें से एक गाड़ी जैकब एंड कंपनी की थी। इसमें हीरे जड़े हुए थे। इसकी कीमत 27 करोड़ थी। उधर मुंबई एयरपोर्ट पर 16 किलो हीरोइन जब्त की गई थी। इसकी कीमत करीब 80 करोड़ रुपए बताई जा रही थी।